चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। निकाल दो उसको। लगातार हम दिखा रहे हैं लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के क्या कुछ है हालात और अस्पतालों की क्या कुछ है आलम। यहाँ पे हम पहुँचे हुए, देखिए एक बच्चा है और इसको लेकर के इसके परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए, क्या कुछ इससे दिक्कत है इनसे हम बात कर रहे हैं। बताइए क्या परेशानी है सर। इसे कान में गेहूँ का दाना जो है अंदर डाल दिया है, इसको लेकर के हम लोग घर पर काफ़ी परेशान थे और वहाँ पर नहीं हम निकाल पाए तो हम लोग लेकर के सदर अस्पताल आए। और इस बारिश के मौसम में किस तरीके से हम लोग गाड़ी को वहाँ से लेकर यहाँ तक आए और आने के बाद से यहाँ इमरजेंसी में ये लोग बोल रहे हैं कि आप चले जाओ वहाँ ओपीडी में और वहाँ से ये लोग डॉक्टर नहीं है। नहीं जी नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है और वहाँ से बोले कि आप यहाँ पे चले जाओ। सर बताइए हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, और ये लोग बोलते हैं यहाँ से हम रेफ़र करेंगे तो सर बताइए इस बच्चे को लेकर के हम अभी कहाँ जाएँ। मतलब कि अस्पताल का चक्कर आप काट रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, चक्कर काट रहे हैं। कितने देर से आप अस्पताल का चक्कर? लगभग मतलब आधा घंटा हो गया। कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहे। नहीं जी नहीं। तो फिर अब क्या आपने सोचा है सर? यहाँ से वो लोग बोल रहे हैं आप रेफ़र कर रहे हैं हम प्राइवेट में, आप जाके प्राइवेट में आप ये बताओ क्यों सदर अस्पताल में इलाज नहीं होगा इसका? अब सर ये तो हम नहीं कुछ कर सकते इसके लिए। मैं भी आप पूछे नहीं अस्पताल में, आप डॉक्टर से नहीं पूछे कि क्या सदर अस्पताल किस लिए है? नहीं बोल रहे कि हमारे पास कोई औजार नहीं है, कुछ हमारे पास सुविधा नहीं है, आप जो है कि आप प्राइवेट में चले जाओ ऐसा करके। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग आए झूनापुर सिवान, यहीं पे अभी आपके पास ही में पड़ेगा जी झूनापुर। आप फिर आप लोग अब कहाँ लेकर जा रहे हैं बच्चे? अभी सर क्या करेंगे, प्राइवेट में अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर घर पे जाएंगे। अभी कौन पकड़ेगा यहाँ पे, कौन किसको देखेगा? आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद वसीम है और ये अपने बच्चों को लेकर के, जो बच्चा एक है देख सकते हैं ये उनके गोद में बच्चा है, इसे लेकर के इसके कानों में कुछ गेहूँ के कुछ तिनके हैं वो चले गए हैं और वो यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं। जबकि इनका कहना है कि डॉक्टर से बातचीत हुई तो वो ओपीडी में भेज दे रहे हैं और ओपीडी वाले इधर भेज रहे हैं और अब कह रहे हैं कि वो व्यवस्था सिवान के सदर अस्पताल में नहीं है। तो ये है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले का अस्पताल। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन किसी के कानों तक इसकी खबर तक नहीं जाती है। फिर एक बार हम बात करेंगे कि ये बताइए कि जब ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का ये हाल है अस्पताल का, तो और अस्पतालों की क्या स्थिति? जी हाँ सर, ऐसे हमारे बिहार में ऐसे ही चलता होगा बस, और हम क्या कह सकते हैं सर। देखने के लिए तो हम नहीं जा रहे, लेकिन ऐसे ही चलता होगा हमारे बिहार में, क्योंकि अब सिवान में दोषी किसको आप मानते हैं? नहीं सर, दोषी किसको माना जाएगा, इसमें सरकार की कमी है और क्या है। सरकार को इसका एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब तो आप यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, फिर चले जाएंगे? क्या जाएंगे प्राइवेट में देखेंगे, होता है तो ठीक, नहीं तो घर पे लेके जाएंगे। अभी क्या कर सकते हैं हम, कुछ ज़्यादा तकलीफ है बच्चे को, ज़्यादा तकलीफ है। हाँ तकलीफ है, दर्द है उसको कान में वो गेहूँ का तिनका चला गया है। ठीक है आप जाइए लेकर के, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल, हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे एक बच्चे के कान में तिनका चला गया है गेहूँ का और वो जब यहाँ आता है तो सिर्फ सदर अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद से वो बेचारे परिजन जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो अब बताइए कि अगर यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है तो फिर से इस सिवान के सदर अस्पताल की ज़रूरत क्या है? जब कोई मरीज आता है उसे सिर्फ और सिर्फ रेफ़र किया जाता है, इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर गौर करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ा एक ये लापरवाही मानी जाएगी और शायद जिस तरीके से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों का आक्रोश फूटने में देर नहीं लगेगा। इसलिए समय रहते जागने की ज़रूरत है सिवान के सदर अस्पताल के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की जिस तरीके से एक बच्चे को लेकर के यहाँ पर आया गया, उसके कान में गेहूं के तिनके चले गए और कोई इलाज नाम की चीज़ नहीं, जब प्राइवेट अस्पताल में आप भेज ही देते हैं तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? सिर्फ आप आते हैं अपनी ड्यूटी करते हैं और जब आपकी सैलरी लग जाती है तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, बस फॉर्मेलिटी करने के लिए आप आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे डॉक्टर हैं जो इलाज भी करते हैं, लेकिन कौन से डॉक्टर थे क्या थे जो कि अब चले गए, हम अंदर चलेंगे और बात करेंगे कि इनकी ड्यूटी है और आखिरकार रेफ़र क्यों कर दिया गया, क्यों वो व्यवस्था नहीं है, ये भी हम इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या हुआ वो जो बच्चा आया था सर, क्या हुआ? रुकिए हम सीनियर को बुला रहे हैं। किनको बुला रहे हैं? सीनियर को बुला रहे हैं। रुकिए। नहीं नहीं क्या हुआ ये थोड़ा सा बता, वो लोग आए थे किस लिए? कान में गेहूँ का दाना घुस गया था। तो क्या आपने उनको भेज दिया क्या? मैंने भेजा नहीं है, मैंने रेफ़र किया था। रेफ़र कर दिया क्यों? सदर अस्पताल में व्यवस्था नहीं है वो काम ये एक मिनट ENT स्पेशलिस्ट का है। नहीं नहीं आप बता दीजिए क्योंकि व्यवस्था वो नहीं है क्या? वो काम ENT स्पेशलिस्ट का है। अच्छा।
यहाँ पे अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए पीछे में हमने ओपीडी में भेजा था, ओपीडी से फिर यहाँ भेज दिया। हाँ, आप ओपीडी में पता कर सकते हैं जाकर। आप यहाँ पे अस्पताल में ईएनटी स्पेशलिस्ट है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे। तो फिर क्यों भेज दिया गया? तो मैंने उनको ओपीडी में भेजा था क्योंकि वहाँ ओपीडी में बैठते हैं, और वहाँ से फिर यहाँ पे आप वहाँ पता कर सकते हैं, और फिर वो प्राइवेट अस्पताल में लेकर चले गए। तो आप भैया वहाँ पता कर सकते हैं जाके। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा डॉक्टर अभिषेक। चलिए, डॉक्टर अभिषेक जी हैं, इमरजेंसी वार्ड में इनकी ड्यूटी है। इनका कहना था कि हम ओपीडी में भेज दिए थे और वहाँ से जैसे कि पता चला वो लोग फिर यहाँ भेज दिया, और अब वो जो मरीज़ के परिजन थे वो लेकर के किसी प्राइवेट अस्पताल में चले गए। तो ये आलम है कि जब ENT यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ये स्थिति है और ये आलम है। और डॉक्टर अभिषेक से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ओपीडी में भेजे तो वहाँ पे हैं, लेकिन मरीज के परिजन कहते हैं कि वो रेफ़र कर दिए गए। तो ये आलम है सिवान के सदर अस्पताल का, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले के अस्पताल का। किसी को कोई भी चिंता नहीं है कि हमारे अस्पताल में मरीजों का इलाज होगा या नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है सिवान का सदर अस्पताल। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव, सिवान। सिटी मोंटेसरी स्कूल एडमिशन इज गोइंग ऑन नर्सरी टू 10th ऑन सेशन 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जिस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े है या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता, रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रियान कम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट, और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग, दुल्हन प्लाजा के संग, पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रियान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786-7903-11-6614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन।